अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आप सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। तो आज सुबह सुबह हम उठ गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। टाइम हो रहे 6:20-25 हो रहे हैं। अभी हमारे को नमाज़ पढ़ने जाना है, तो आज तैयार हो जाए। अभी ऊपर नहाने के लिए जा रहे हैं, पापा रेडी हो रहे हैं, छोटा भाई भी रेडी हो रहा है। अभी हम भी आ चुके हैं रेडी होने के लिए। तो भाई साहब ये हमारे कपड़े हैं, अभी चेंज करते हैं। बस अभी हम चेंज करते हैं यार, रेडी हो चुके हैं। अभी कंघी वंगी करते हैं। तो आज तो भाई साहब कंघी भी हो चुकी है, कपड़े भी पहन लिए। ये हमारा सेटअप है, हमारी न्यू वॉच, न्यू ग्लासेस और पर्स, अपना वॉलेट। और अभी इन चीज़ों को पहनते हैं। तो यार ये आ चुकी है, अभी हम इसको ऑन करते हैं और चलते हैं नमाज पढ़ने। साहब अभी निकल चुके हैं, क्या टाइम हो रहा है देखते हैं। अबे भाई जान ये तो बहुत कम टाइम रह गया है, और अभी हम रास्ते में ही हैं। बस यार बड़ी एक्साइटमेंट है ईद के लिए, क्योंकि साल बाद आती है ईद, सबसे ईद मिलती है, सबसे गले मिलते हैं, अब खुशियाँ आती है, मीठा खाते हैं। अबे भाई साहब यार बहुत टेंशन हो रही थी, तो लेट ना हो जाए हम ईद की नमाज के लिए। अभी घर चलते हैं और सबसे ओपनिंग हो चुकी है ईदी लेने की। अभी आगे और भी देंगे बंदे। ये मेरे को ही मिली है 200, ना मेरे को 500 मिली है। भाई साहब अभी ईदी देने का सेशन चालू हो गया है, अभी छोटे बहन भाइयों को ईदी देते हैं। चले आ गए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस व्लॉग में मेरी एंट्री हो चुकी है। तो ये लोग भाई लोग गए हुए थे, सारे पापा और भाई गए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो हम घर पे थे, तो अभी बस रेडी होके पप्पा के घर जा रहे हैं। तो गाइस हम पप्पा के घर आ चुके हैं, अभी अंदर एंट्री करते हैं। गाइस पप्पा के घर आए तो पप्पा ने कोल्ड ड्रिंक दिए, और इसको देखें जरा कैसे बोल, खाने का बोला है, हम लोगों ने खाना नहीं खाया। और इसको देखे जरा, ये तो पूरा मोहल्ला बना हुआ। मेरी ईदी तो दो, ये आ गई मेरी ईदी बस, और नहीं और अभी इसको भी छोटे वाले को भी मिल रही है। मेरी इसको मिल चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं दादू के फूफो के घर से, और अभी भाई जानी को मिल चुकी है, अवैध भाई दे रहे हैं। और ये मुझे तो 300 मिल गए, मुझे सबसे ज्यादा ईदी मिली है। गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, भाई आए नानो को मिलने, हमारी नानो है ना, उनको मिलने जा रहे हैं। तो अवैध भाई तो अंदर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो रात को हमने पूरी बाइक की सर्विस करी। तो गाइस अभी जो है हम दादो के घर जा रहे हैं, दादो को मिलने ही है। तो बस अभी निकल रहे हैं, भाई बैठे ना बाइक पे, बैठ बाइक पे। गाइस हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे आप रश चेक करें खाली, आगे मेवा शाह कब्रिस्तान है, और रश ही रश है भाई। इधर देखते जरा, अभी हम घर से निकले हैं, गली से बाहर हैं, रश बहुत है यार। हम तो रश में फंस चुके थे, अच्छे अभी इस जगह है, और आगे देंगे जरा, ट्रक खड़ा होगा, मजा खड़ी है। अभी ऊपर है, हम निकल गए वहां से। तो गए हम अभी अपनी बीजी के घर आए। ये बीजी है, बीजी ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, खैर। अभी हम अपनी बीजी के घर से निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं अपने दादो के घर। तो चलिए लेट्स गो।
यार ये जो बिजली थी हमारे पापा की फुफो थी और मम्मा की भी फुफो थी। अभी हम अपनी दादू के घर जा रहे हैं, हम रास्ते में और यहाँ पे भी रश है भाई, बच्चे ही बच्चे हैं हर जगह। और यहाँ पे तो खड्डे भी इतने, अल्लाह अकबर। झूले वाले भी आए हैं, झूले वाले भी हैं, सफाई वाले भी हैं। और तो गाइस हम जो दादा के घर पहुंच चुके हैं, अभी अंदर जाएंगे। गेट तो बजाओ पहले, गेट बजाओ भाई, गेट बजाओ। इतना बिजी बने थे दादा कुछ बनाना। ओए अरे एक बार तो गाइस हम जो दादा के घर से निकल चुके हैं, अब घर जाएंगे, फिर वहां से कब्रिस्तान जाएंगे, फिर वहां से जो है नानों के घर जाएंगे। नानों का इंतकाल हुआ है तो उनकी पहली ईद है, बड़ी नानों का। गाइस सोनी तो घर जाएंगे, पर रास्ते में हमने कहा कि चलो फूफो के घर से ही चले जाते हैं, फिर वहां से घर जाएंगे। अभी अभी हम आ चुके हैं बिल्डिंग के, बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। जाओ गेट बजाओ। गाइस फूफो के घर आए तो फूफो ने शीर कोरमा हमारे साथ आगे रखा है। और इन्हें देखे जरा, अभी भी इनको मस्ती चढ़ी हुई है। उठाओ भाई, पापा ले लो। तो भाई अभी जो है ना हम फूफो के घर से निकल रहे हैं और अभी जो घर जाएंगे। तो भाई अभी मैंने तुम्हारा उठे रख के जा रहे हैं, थोड़ी कम होती है अभी भी रस है। यहाँ पे आगे कब्रिस्तान है ना, बहुत रश है भाई। अभी तो फिर भी कम हो गई है। गोरी गोरी दादा वो आप देखे जरा, रुकियाँ भरी हुई है कब्रिस्तान के लिए। और यहाँ पे आज तो जो है ना फूल वाले ही फूल वाले, यहाँ देखो फूल ही फूल है, हर रेडी में फूल है, रश बहुत है। गाइस अभी हम देसी घर पे पहुंचे हैं और फिर हम खाली 5 मिनट ही घर पे बैठे हैं। अभी हम अपने बल्डिया लॉन में, हमारा कब्रिस्तान है इसलिए हम लोग अभी कब्रिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी बस हम निकलने वाले हैं, फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। तो यार यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए ऑडियो साफ नहीं आया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अभी हम घर से निकल चुके हैं, अभी हम उन्हीं नानों की दुआ करने जाएंगे जिनका हमने जिक्र किया है, फिर उसके बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे। ऐसे ही हमारा पूरा दिन बिजी रहेगा। तो गाइस हम जो है ना नानों के घर से निकल चुके दुआ करके और अभी जो हम कब्रिस्तान जाएंगे। ब्रश का भी खराब हो गया था तो देर बहुत हो गई हमें। तो गाइस फाइनली हम जो है ना कब्रिस्तान जाने के लिए निकल चुके हैं। हम रास्ते में वहाँ पे जो है ना नानों के घर के सामने जो है ना हमने रस्ता खड़ा किया था, वहाँ पे पठान के बच्चों ने ना सारा हमारा जो ना रश का रस्ती का जो एक्सीलेटर है ना तोड़ दिया। अब आधे घंटे की मेहनत के बाद धक्के लगाने के बाद हम सब ने धक्के लगाए और फिर कहीं जा रहे तार जोड़ी, पापा ने तारे जोड़ी, फिर अभी स्टार्ट हो गया। फाइनली आप कब्रिस्तान में ना बंद हो जाए, बस ये मसला हो जाएगा वरना हमारे लिए। भाई माशाल्लाह से जो है मौसम भी ना बहुत प्यारा हो गया, प्यारा मौसम है और हवा भी बहुत चल रही है भाई। भाई हम जो है ना कब्रिस्तान के ना इंटर हो चुके हैं, यहाँ पे जो है ना हर रात के लोग होते हैं, पहली बेमा सिंदरी बलोच यहाँ पे सब होते हैं, तो इस वजह से हमारा भी नुकसान बहुत बड़ा है। और ये देखें ये जो है ना ये हमारे कब्रिस्तान की दीवार है वाली, देखे कितने प्यारे प्यारे पौधे और पेड़ लगे हैं। ये बच्चा पार्टी आपको भी खबर ये हम जो है ना अभी पहुंच चुके हैं, उतर रहे हैं, अभी दुआ करेंगे फिर निकलेंगे, दुआ करेंगे फिर आप अपने नाना की कब्र दिखाएंगे कि कैसी है। बड़ी होगी शिमला मिर्च में लिखी उस दिन नहीं थे इतवार को, ये सारी टेनिया अभी आई है।
गाइस भाई जो है ना नात पढ़ रहे हैं भाई जनी और छोटा वाला भाई शहीद। गाइस भाई जनी और शहीद जो है ना नात पढ़ रहे हैं अभी नाना अबू की कब्र पे। वो जो पीछे वाले जो दो फूल है ना, एक पेड़ है और एक दूसरा भी पेड़ ही बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैंने लगाए, ये दोनों मैंने लगाए थे और ये जो है ना अभी बड़े हो गए। था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के तो बार बार सके तो बार बार हो करम आद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, कौन है जो के सुने मद है अपने आका। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना नात पढ़ लिए, नाते पढ़ लिए हैं। अभी हम रश्की के पास जाएंगे, देखते हैं क्या हालचाल है उसका। पहले तो हम मम्मा लोगों के पास जाएंगे, मम्मा लोग जो है ना वो आगे खड़े हुए, तो हम वहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद रश्की के पास जाएंगे, देखेंगे क्या हालचाल है। रश्की कभी स्टार्ट होते हैं धक्के मारने दोबारा, अगर नहीं स्टार्ट हुआ धक्के मारने वाला सीन हम आपको लाइव में दिखाएंगे। देखिए धक्के मार रहे हैं सुबह से, सुबह से हम चारों जो है ना धक्के मार रहे, तीन बहन में और एक पापा, हम धक्के मारी जा रहे स्टार्ट ही नहीं होता रश का। गाइस वापस से वही सीन हो गया, रक्षा नहीं चालू हो रहा, अभी फिर धक्के लगा रहे हैं। अभी अंदर बैठी हुई है, अभी मोड़ रहा है। हाँ भाई अभी मोड़ रहा है, अभी धक्के लगेंगे, वो तो मर रहा है। भाई जनी और जो पापा है ना वो धक्के लगाएंगे रक्षे को, फिर अपिया अंदर से चालू करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अचानक से चमत्कार हुआ और हो गया धक्के मारे स्टार्ट हो गया रक्षा। अबे रक्षा चला रही है, लड़का ना सत्कार पंजाब पेशावर, ये रक्षा हर जगह जाएगी पंजाब पेशावर। तो गाइस मैंने जो है रक्षा चलाया थोड़ा सा, और ये जो है ना अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं और मजा आ गया रक्षा चला तो इतने दिन भी नहीं चलाया और आज जो है ना चलाने का मौका मिल गया तो मैंने चला ही लिया। गाइस गायों का झुंड है भाई यहाँ पे, तो हमारे सामने से अभी इतनी सारी कचरे पे, गायों का ऑफिस था ये, कचरा ही बहुत है। रस्ता रोड के ऊपर बंद और पेट्रोल पंप भी बहुत आगे। जरा रस्ता बिल्कुल बंद हो चुका है और इनकी लड़ाइयाँ हो रही है, कहते हैं मैं रस्ते की कैंडल पे बैठूंगा। वो देखो वो बोल रहे यार आज बहुत बुरे सीन हो रहे हैं यार, इसके पहले दिन पहले रक्षा चालू नहीं होता है, फिर जब चालू होता है धक्के मार मार के फिर पेट्रोल खत्म हो जाता है। अभी पेट्रोल खत्म हो गया, अभी 15 मिनट धक्के लगा के जाते रहो। पेट्रोल जो है ना बिल्कुल खत्म, अब ये पहले जाएंगे, मैं अंदर मोड़ रहा हूँ। रक्षा बंद आज के हमारी ईद का दिन, ईद का नाम है ईद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और रक्षा भगा रहे इनमें।
यहाँ पे कचरा देखें आप, ईद के दिन भी कराची ऐसा होता है। ये देखें, बंदा ईद के दिन थोड़ा कराची को साफ कर लेता है। यार मैं थका हार के अभी आगे बैठा हूँ और अभी ये शुरू हुआ, ये धक्का लगाएगा अभी पापा के साथ। Thank you.